पंचायत सेवक और लिपिकों की परीक्षा के आज 5 साल पूरे हो गए। इसमें सफल अभ्यर्थियों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। अब ये राजभवन के सामने आमरण अनशन पर बैठ गए हैं और नियुक्ति पत्र या मृत्यु देने की मांग कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का तीसरा दिन और आंदोलन का 21वां दिन। अब पंचायत सेवक और लिपिक अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट रहा है। पिछले 3 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है, सरकार नियुक्ति पत्र दे। अब इनके चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही है। गुलाम हुसैन रोते हुए मुख्यमंत्री से अपील कर रहे हैं, हमारी समस्याओं का समाधान जल्द किया जाए। कैसे जिएंगे सर हम लोग बिना नौकरी के? हम लोग भीख नहीं मांग रहे, हम लोग एग्जाम पास करके यहाँ पहुंचे हुए, तैयार तक पहुंचे हुए हैं। आज आप देख सकते हैं अलग अलग कोई भी, अगर लोगों को लगता है कि मेरा चेहरा बार बार आता है तो मैं हूँ भुक्तभोगी। मैं हूँ कसूरवार कि मैंने इस एग्जाम को पास किया है। मैं हूँ कसूरवार कि मैं माननीय मुख्यमंत्री से न्याय मांग रहा हूँ। मुझे सूली पे चढ़ा दो, मुझे नियुक्ति दे दो या तो फिर मृत्यु दे दो, नहीं तो फिर हम नहीं, बिल्कुल नहीं जिएंगे, बिल्कुल नहीं जी पाएंगे हम लोग। पंचायत सेवक और लिपिक की परीक्षा के फॉर्म भरने से लेकर आज की तिथि में लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं। इन सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक इन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगी ये यहाँ से नहीं जाएंगे। धीरे धीरे आंदोलन स्थल पर भीड़ बढ़ती जा रही है। पूरे प्रदेश से लगभग 4,000 सफल अभ्यर्थियों की एक फौज खड़ी हो गई है। हम या तो हमें नियुक्ति दे या हमें मृत्यु दे, हम यहाँ से नियुक्ति ही लेके जाएंगे। अगर नियुक्ति नहीं देगी तो हमें मृत्यु दे दे, ऐसा जिंदगी जीने से तो अच्छा है ना कि हम मर जाए। घुट घुट के जीने से अच्छा है कि हम मर जाए। 5 साल से लंबे इंतजार के बाद हमें क्या मिला? कुछ नहीं। सारे हर नेता हर विधायक के यहाँ हम लोग गए, जा करके अपने बातों को रखे, लेकिन सबों ने हमें यही कहा कि आप लोगों का जो मैटर है वो संज्ञान में लिया जा रहा है, उस पर विचार किया जाए। गौरतलब है कि अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समीप आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की स्थिति बिगड़ती जा रही है। अब इनके सामने एक विकट समस्या खड़ी हो गई है। कई अभ्यर्थियों के उम्र अब दूसरी परीक्षा के लिए नहीं बची है। अब राज्य सरकार से यही उम्मीद की जा रही है कि इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामैन कुणाल के साथ अंजनी की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।